नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महर्षि मरीचि के बारे में। महर्षि मरीचि परमपिता ब्रह्मा के प्रथम मानस पुत्रों में से एक हैं, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मन से हुई मानी जाती है, जिसके कारण इनका नाम मरीचि पड़ा। प्रथम मनु स्वयंभू के मनवंतर में जो सात ऋषि मरीचि पुलस्त्य पुलह क्रतु अंगिरा अत्रि एवं वशिष्ठ सप्त ऋषि कहलाए, वे सभी ब्रह्मपुत्र थे। ब्रह्मदेव के पुत्र होने के कारण उन्हें सम ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा के समान कहा जाता था, किंतु मरीचि को उनकी महानता के कारण साक्षात द्वितीय ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनका निवास स्थान मेरु पर्वत के शिखर पर बताया गया है। मरीचि सहित अन्य सप्तऋषियों की गिनती 10 प्रजापतियों में भी की जाती है। अन्य 3 प्रजापति नारद, भृगु और प्रचेता हैं, जिनकी चर्चा हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। इनकी महानता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आदित्यों में मैं विष्णु, तेज में मैं सूर्य, मरुतों में मैं मरीचि और नक्षत्रों में चंद्र हूँ। यही कारण है कि इन्हें प्रजापतियों में श्रेष्ठ समझा जाता है। महाभारत में इन्हें चित्र शिखंडी कहा गया है। पुराणों में महर्षि मरीचि की 3 पत्नियों के बारे में लिखा गया है। इनकी एक पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री शंभूति थी। इसके अतिरिक्त उनकी 2 अन्य पत्नियां कला और धर्म की पुत्री उड़ना थी। उड़ना का ही दूसरा नाम धर्मव्रता था, जिसे मरीचि ने मिथ्य बोध के कारण पाषाण बनने का श्राप दे दिया था। हालांकि धर्मव्रता ने इसका विरोध किया और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। उनके इस बलिदान से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनका ये पाषाण रूप देवशिला के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। इस पाषाण पर गयासुर की मृत्यु के बाद उसे स्थापित किया गया, जो बिहार के गया में अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। जैसा कि आपको पता होगा, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उनके पिंड को गया धाम में ही स्थापित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि देवशिला कितनी पवित्र स्थान पर स्थापित की गई थी और धर्मव्रता के अपने आप को निर्दोष साबित करने एवं बलिदान देने के कारण उनकी महत्ता कितनी बढ़ गई थी। दोस्तों, आगे चलते हुए आपको बताना चाहेंगे, मरीचि की दूसरी पत्नी करदम की पुत्री कला थी, जिससे इनके 2 पुत्र कश्यप एवं पर्णिमास हुए। कश्यप हिंदू धर्म के सबसे महान ऋषियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने आगे चलकर अपने पिता की भांति ही सप्त ऋषियों का पद भी प्राप्त किया था। कई जगह इनका नाम अरिष्ट नेमी भी कहा गया है। इनका विवाह प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों के साथ हुआ और उनसे समस्त संसार की उत्पत्ति हुई। देव, दैत्य, असुर, नाग, सर्प इत्यादि सभी जातियाँ महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। महर्षि कश्यप के भाई पूर्णिमास का विवाह सरस्वती नामक स्त्री से हुआ, जिससे उन्हें विरह एवं सर्वस नामक 2 पुत्र प्राप्त हुए। विरह के पुत्र सुधामा, जी हाँ दोस्तों, सुदामा नहीं, सुधामा के पुत्र बैराज हुए। सर्वस के यज्ञ और काश्यप नामक 2 पुत्र हुए। काश्यप के वत्सर और आसीत ये 2 पुत्र हुए। वत्सर के पुत्र नैध्रुव और रैम्भ हुए। रैभ्य के रैभ्यादि इत्यादि अन्य पुत्र हुए। तो इस प्रकार से कश्यप गोत्र आगे विस्तृत हुआ। परमपिता ब्रह्मा ने पुष्कर तीर्थ में जो प्रसिद्ध महान यज्ञ किया था, उसमें महर्षि मरीचि अक्षवाक पद पर नियुक्त हुए थे। यही नहीं, 10,000 श्लोकों से युक्त ब्रह्म पुराण का दान भी ब्रह्मदेव ने सबसे पहले महर्षि मरीचि को ही दिया था। कहा जाता है कि जब महारथी भीष्म बाणों की सैया पर थे तो महर्षि मरीचि उनसे मिलने आए थे। यही नहीं, उन्होंने भी भक्त श्रेष्ठ ध्रुव को श्रीहरि की तपस्या करने की प्रेरणा दी थी। हालांकि ध्रुव को सबसे प्रथम प्रेरणा ऋषि कर्णों द्वारा मिली थी, परंतु मरीचि ने भी ध्रुव को श्रीहरि की तपस्या के लिए प्रेरित किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि प्रजापति दक्ष के प्रसिद्ध यज्ञ में महर्षि मरीचि ने भी भगवान शंकर का अपमान कर दिया था, जिसके बाद भगवान शंकर ने उन्हें भस्म कर दिया था।
जैन धर्म में भी महर्षि मरीचि का बड़ा ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि मरीचि कई जन्मों के पश्चात आगे चलकर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के रूप में जन्मे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी कमेंट्स में लिखना ना भूलें, और आप अपना कोई भी सुझाव या हमारी गलतियों को भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार कर और अच्छा प्रयास कर सकें। धन्यवाद।